हेलो एवरीवन, दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो हम जल्दी जल्दी वन लाइनर फैक्ट को कवर कर लेते हैं, जिससे आने वाली एग्ज़ाम्स में हमारे सिलेक्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। एक साइड आपको दिए हैं विद्रोह के केंद्र और एक तरफ दिए हैं आपको नेतृत्वकर्ता। तो फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला, संबलपुर सुरेंद्र साई, हरियाणा राव तुलाराम। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए या एक और दो सही है, दो और तीन सही हैं, एक और तीन सही है या सभी सही हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं कि फैजाबाद से रिलेटेड थे आपके मौलवी अहमदुल्ला, संबलपुर से थे सुरेंद्र साई और हरियाणा से थे राव तुलाराम। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई थी, प्रथम और द्वितीय, अलीनगर की संधि या कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इलाहाबाद की प्रथम संधि से प्राप्त हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1669, 1664, 1605 या 1611। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, कर्नाटक, मैसूर, हैदराबाद या त्रावणकोर। तो सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर हैदराबाद के राज्य ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सुल्तान उल कौम किसे कहा जाता था, कपूर सिंह, रणजीत सिंह, जस्सा सिंह अहलूवालिया या जय सिंह। तो जस्सा सिंह अहलूवालिया को सुल्तान उल कौम कहा जाता था। कल्पना दत्त का संबंध किस क्रांतिकारी घटना से था, हावड़ा षडयंत्र, चटगांव, शस्त्रागार लूट, कांकोरी कांड या चोरा चोरी कांड। तो कल्पना दत्त का संबंध चटगांव शस्त्रागार लूट से था। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और इसी टाइप के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, देवी सिंह, कदम सिंह, राव तुलाराम या खान बहादुर। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस दौरान जो बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था वो थे खान बहादुर। इस टाइप के क्वेश्चन लगातार एमपीपीएससी में पूछे जा रहे हैं कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया था या कौन कौन शामिल था, तो ये हमें अच्छे से इस टाइप के फैक्ट कवर कर लेना है। सन 1922 से 1924 के मध्य हुए रंपा विद्रोह का नेतृत्व कौन था, जत्रा भगत, अलूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, वैलू थम्पी। तो अलूरी सीताराम राजू सन 1922 से 24 के मध्य हुए रंपा विद्रोह में नेतृत्व करता थे। निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का। हॉटॉक समिति का गठन किस कार्य हेतु किया गया था, कृषि सुधार, सैन्य सुधार, अकाल या शिक्षा। तो लगातार समितियों से भी एक या दो क्वेश्चन तो एमपीपीएससी में हर बार पूछे ही जा रहे हैं प्री में, कि कौन सी समिति का गठन किसके लिए किया गया था या इस समिति के अध्यक्ष कौन थे या किसके द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। तो समितियां भी हमें एक इसमें तो सारी समितियों को हमें अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसका गठन किया गया था शिक्षा सुधार के लिए। सैडलर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1915, 1917, 1919 या 1934 में। तो सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड लिटन, चार्ल्स मेटकॉफ, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अधिनियम में दी गई है, यानी गवर्नर जनरल एक अध्यादेश पारित कर सकता है, ये शक्ति किस अधिनियम में है, भारत सरकार अधिनियम 1958, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1909। तो जनरल गवर्नर को अध्यादेश पारित करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1958 में दी गई है। निम्न में से कौन प्रारूप समिति सदस्यों में शामिल नहीं था, के मुंशी, बी एल मित्रा, गोपाल स्वामी अयंगर या जे पी कृपलानी। तो देखिए यहाँ पे जे पी कृपलानी प्रारूप समिति में नहीं थे, बाकी अयंगर जी, मित्रा और मुंशी जी सभी सम्मिलित थे। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी लगातार पूछे गए हैं प्रारूप समिति से, कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें समितियाँ तो अच्छे से कवर कर लेनी है।
नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें सभी समितियों से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटल, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड रिपन के इसमें किया गया था। प्रथम सहकारिता अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? 1902 में, 1985 में, 1908, 1904। तो प्रथम सहकारिता अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किस भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, एसपी सिन्हा, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी। तो एसपी सिन्हा की नियुक्ति वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार, जो वायसराय थी वहाँ पे अभी तक अंग्रेजी ही सदस्य थे और पहली बार जो भारतीय सदस्य थे उनको सदस्यता मिली थी वो थे एसपी सिन्हा। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई है? 1870, 1875 या 1885 या 1890। तो जो पुणे में एक सार्वजनिक बैठक हुई थी या सभा हुई थी तो उसकी स्थापना की गई थी 1870 में। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1791, 1791, 1774, 1784 या 1780 में। तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। सुगोल की संधि किस युद्ध के पश्चात की गई थी? तृतीय आंगल मराठा युद्ध, द्वितीय आंगल सिख युद्ध, आंगल वर्मा युद्ध, आंगल नेपाल युद्ध। आंगल नेपाल के बाद सुगोलों की संधि की गई थी। डलहौजी की व्यापकगत नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को मिलाया गया? सतारा, जेतपुर या बधारा। तो जो डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी व्यापकगत की नीति, से इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि किस इस व्यापकगत नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डलहौजी के द्वारा। तो इसने सबसे पहले सतारा राज्य को मिलाया था। इसमें क्या होता था कि जो भी राजा होते थे जिनके कोई उत्तराधिकारी जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था वो दत्तक पुत्र को लेने की अनुमति उन्हें नहीं देते थे और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया करते थे। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1987 में। तो 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस में, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1931 में, कराची अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आर्कटिक होम इन द वेजाज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक। तो आर्कटिक होम इन द वेजाज के लेखक हैं या रचयिता हैं बाल गंगाधर तिलक। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1940 या कब मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। ठगी प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? विलियम बैंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपिन। तो ठगी प्रथा का उन्मूलन विलियम बैंटिक के कार्यकाल में हुआ था। यंग इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इकबाल, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली या एनी बेसेंट। तो यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बॉन्डी वंश का युद्ध कब हुआ था? बॉन्डी वंश का युद्ध 1760 में हुआ था। सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा सेवक संघ की स्थापना की गई थी। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक की रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या एस ए डांगे, हसर मोहानी। तो इसके रचयिता हैं एस ए डांगे। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई? 1935, 1936, 1937 या 38। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु सर्वप्रथम किस व्यक्ति का चयन किया गया? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस या नरेंद्र दवे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु सर्वप्रथम विनोबा भावे का चयन किया गया था। देसी रियासतों एवं ब्रिटिश प्रांतों का एकीकरण करके भारतीय राज्यों का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया? 3, 2, 4। तो ये चार प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया था। जुलाई 1947 में बनाए गए भारतीय रियासत विभाग की कमान किसे सौंपी गई थी? तो जो 1947 में एक भारतीय रियासत विभाग बनाया गया था और उसकी कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात किसकी अध्यक्षता सर्वप्रथम राज्यों के पुनर्गठन हेतु आयोग का गठन किया गया? फजल अली, एस के धर, मौलाना आज़ाद या वल्लभ भाई पटेल। तो जब स्वतंत्रता के पश्चात एस के धर ने राज्यों का पुनर्गठन हेतु एक आयोग बनाया
तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे एस के धर। फजल अली आयोग की सिफारिश के उपरांत राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? फजल अली आयोग ने एक सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लाया जाए और ये 1956 में लाया गया था या पारित किया गया था। गोवा को केंद्र शासित राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1956, 1960 या 1968 या 62? तो 1962 में 12वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। या ये भी पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया? तो 12वें संविधान संशोधन 1962 में से गोवा को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1949, 1950, 1957 या 52? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या मणिपुर? तो सबसे पहले भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। पांडुचेरी के क्षेत्र को फ्रांस ने भारत के सुपुर्द कब किया? तो फ्रांस ने पहले जो पांडुचेरी था वो फ्रांस का हिस्सा था और इसको भारत के सुपुर्द किया था उन्होंने। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपका 1975 में। 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 मई 2015, 2 सितंबर 2016, 2 जून 2014, 15 अगस्त 2014। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।